क्लासेट, जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने समीकरण पढ़ा, समीकरण हल करना सीखा, समीकरण को कैसे हल करते हैं इसको सीखा। उसी चैप्टर में, समीकरण में ही के समीकरण को हल करना और कैसे हल करना, अगर समीकरण कॉम्प्लिकेटेड रूप में है तो उसको सरल रूप में बदलकर हल करना। जैसे कि एक समीकरण है, इस पर हम गौर करते हैं, 6x+1/3 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 x-3/6 सरल रूप में पहले इसको बदल देंगे। इसमें जो है प्लस वन है, पहले इसकी क्रिया कर देते हैं, तो ये हो गया x-3/6 प्लस वन का अर्थ हो गया 1/1, इसका हर छुपा हुआ है 1, ठीक है, तो इसको जो है लसा हो जाएगा 3 और 1 का 3। अब क्रिया तो वही है कि बारी बारी से भाग और गुणा की क्रिया करना, 3 से 3 में भाग देते हैं, 1 और 4 भाग लगेगा, 1 से गुणा हो जाएगा 6x+1 और गुणा हो जाएगा 1। अब 1 के नीचे 1 और इसका 1 से 3 में भाग करेंगे, 3 मतलब भाग लगेगा, और 3 से 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 का, ये अब रूप हो गया इसका 6x+4/3। अब जो है तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा का मतलब हो गया कि 3 से गुणा हो जाएगा, इसमें सरल रूप में बदलना है हमको, अभी हो जाएगा x-3/6 और पूरा में गुणा हो जाएगा 3 से बराबर हो जाएगा 6। पूरा सिस्टम में गुणा है 3 से कट जाएगा, 3 x-3/2 = 6x+4 अब दूसरे गुणा हो जाए 6x में हो जाएगा x-3/2 हो जाएगा
बारे एक्स प्लस बी चौथा आठ। अब पक्षांतर कीजिए, एक्स को ले चलिए उधर, तब हो जाएगा बारे एक्स माइनस छ, बारह एक्स माइनस एक्स आपको रहने दीजिए और तीन का पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा आठ और तीन, हो गया। अब आप भी क्रिया कर दीजिए, बारह एक्स से एक्स कट गया, ग्यारह एक्स बराबर हो गया आठ तीन ग्यारह। इसीलिए एक्स बराबर अब ग्यारह से गुना है बाएं पक्ष में, मतलब एक्स में चर में, तो एक्स बराबर हो गया। अब गुना बदल जाएगा भाग में, बाएं पक्ष के आते हैं आठ में भाग लग गया ग्यारह से, तो समीकरण को सरल रूप में हल करना, समीकरण को सरल रूप में हल करने के लिए यही उपाय है, समीकरण को सरल रूप में बदल के या समीकरण को हल करके। अब अगर इसका जांच करना हो तो जांच कर लेंगे, एक्स बराबर वन प्राप्त हो गया, इसको रखेंगे बाएं पक्ष में, हो जाएगा छ एकम छ प्लस एक, छ प्लस एक बराबर हो जाएगा, और इसमें प्लस वन छ सात प्लस वन बराबर प्लस, और दाएं पक्ष पे ये तो चीजें करवा रहे हैं, ठीक भी है। तो देखिए यहाँ चीज जो है करवा गया, ये हो गया बारह एक्स माइनस एक्स बराबर, पक्षांतर होगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस आठ अब माइनस तीन हो जाएगा, तभी हो जाएगा ग्यारह एक्स बराबर माइनस ग्यारह, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ग्यारह बटे ग्यारह बराबर माइनस वन, हल हो जाएगा एक्स बराबर माइनस वन। जांच करना है तो एक्स बराबर माइनस वन जब बैठाएंगे बाया पक्ष, जांच बाया पक्ष बराबर छ एक्स प्लस वन बच्चे तीन प्लस वन बराबर हो जाएगा छ गुने माइनस वन प्लस वन बटे तीन प्लस वन बराबर माइनस छ प्लस वन बटे तीन प्लस वन बराबर, अब माइनस छ में एक जोड़िए तो माइनस पांच बटे तीन प्लस वन बराबर हो जाएगा माइनस पांच
प्लस पी बटे पी बराबर, अब माइनस पांच में जोड़ दीजिए पी, माइनस टू बटे पी, ये हो गया बाया पांच। अब इसी तरह से दाया पक्ष बराबर हो जाएगा x माइनस तीन बटे छ है बराबर, x की जगह पर अब बैठ गया माइनस वन माइनस तीन बटे छ बराबर क्या माइनस चार बटे छ, दूसरे भाग लग जाएगा माइनस माइनस करके टी, बाया पक्ष बराबर हो गया दाया पक्ष के, सॉल्यूशन जो है सही है। जांच करते हैं, जांच करने से पता लग जाता है कि ये जो सॉल्व किए हैं, ये जो सॉल्यूशन दिया है, जो हमने सॉल्यूशन प्राप्त किया है वो सही है कि गलत है। ये है समीकरण हल करना, उसको सरल रूप में बदल देते हैं। देखिए ये चल रहा है प्रश्नावली 2.3 के लिए है। अब प्रश्नावली 2.3 में जो प्रश्न दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब प्रश्नावली 2.3 के पहले जो उदाहरण है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उसको जो है हल करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे, अरे दो बार चार बार प्रयास करेंगे नहीं हल होगा तो फिर जो है आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम कल जो है परसों जो है इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, जो भी दिक्कत हो वो कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिए, सब का समाधान होता रहेगा। ठीक है।